पसीने वाली बहू। हाय रब्बा, अरे नास पिटी, पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाढ़ को बुलावा दिया है तूने। अरे तो मैं क्या करूं माँ जी, आप ही बताओ। अरे भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे। ये कहानी है अक्षरा की, जिसे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है। फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड हो, शादी तो जैसे तैसे हो जाती है। अक्षरा के पति रणवीर को ये बात पता नहीं होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है, और ना ही उसकी सास कौशल्या और ससुर ब्रिजमोहन को पता था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है। तो चलिए होते हैं रूबरू इस पसीने वाली बहू से। बहू, अरे ओ अक्षरा बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, बोलिए। अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जिसे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। हाय रब्बा, इतनी गंदी बदबू तो गट्टे की भी नहीं आती। सीरियसली यार अक्षरा, तुम्हारे पसीने की बदबू दूर दूर तक आ रही है। तो मैं किसी बर्फीले इग्लू में बैठकर खाना नहीं बना रही हूँ, इतनी गर्मी है। 2 मिनट गैस के सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से नहा लेते हो आप। इतनी भयंकर गर्मी है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो लगा लो ना रसोई में भी एसी। हाँ हाँ लगा लेते हैं, वैसे भी तेरे मायके वालों ने हमें ट्रक भर के नोटों की गड्डी जो दी है, हैं? क्या बात करती है, मैं भी चूल्हा चौका कर चुकी हूँ, लेकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं आया। ऐसे ही एक दिन कौशल्या देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कढ़ाई में गिर रहा है। अरे करम जलियों की महारानी, ये देख, देखिए तेरे पसीने की टंकी का लीकेज बह के अब हमारे खाने में भी टपक रहा है। अब अपना खारा पानी तू नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी क्या हमारे खाने में? मैं जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और रही बात पसीने की टपकने की, तो इसी बहाने ये गट्टे की सब्जी ना और भी नमकीन और स्वादिष्ट हो जाएगी मेरे पसीने की मिलावट से। ची 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 ची। मैं जा रही हूँ बाथरूम, क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर ही उल्टी आ रही है। आज तो कुछ नहीं पकाएगी, आज हम तीनों तुझे छोड़कर बसंत भोजनालय चले जाएंगे। तू अकेले ही चखते बैठ अपने पसीने से भरे हुए ये व्यंजन। अगले दिन जब रणवीर दफ्तर से घर आता है, तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है। अक्षरा, कल बॉस की वाइफ का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हमें खास न्योता दिया है, तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे। मैं ब्लैक कोट पहनूंगा, तो तुम ब्लैक साड़ी पहन लो। ओके पति जी, और कोई आदेश? नहीं नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। वैसे तो पार्टी में एसी होगी, लेकिन फिर भी ना तुम पूरी परफ्यूम की बॉटल को अपने ऊपर छिड़क के ही चलना। एक क्या, मैं तो कहता हूँ अब 5 चाय बॉटल को छिड़क लो ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बदबू को सूंघ लिया ना, तो फालतू में सीन क्रिएट हो जाएगा वहां पर, ठीक है? मुंह टेढ़ा करके अक्षरा जवाब देती है, ठीक है लगा लूंगी, खुश। अगले दिन पार्टी के लिए अक्षरा सच में 5 परफ्यूम की बॉटल को अपने ऊपर छिड़क कर सच धज के रणवीर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में एसी थी, इसलिए पहले के 15 से 20 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छूटने शुरू हुए कि बस वो पसीने से भी गर्गीली होती ही जा रही थी, और उसकी बहुत गंदी बदबू भी आने लगी, जिसको सुनकर पार्टी के गेस्ट आपस में बात करने लगे। अरे ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? शायद किसी के जुराबों की गंदी बदबू है ये। जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब। इतनी बड़ी 5-स्टार पार्टी में पता नहीं कहाँ से घुस गया कोई गटर का कीड़ा। तभी रणवीर अक्षरा को धीरे से कहता है, तुम्हें कहो तो ना परफ्यूम पाउडर और साबुन से 10 बार नहाना। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मुझे पसीने छूटते ही हैं, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं। और उनकी ये बात बगल में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और वो बवाल मचा देती है।
अरे बाप रे, ये गंदी महक तो यहाँ से आ रही है। रणवीर की बीवी से देखो तो, पूरे कपड़े भीग गए इसके पसीने से। सभी रणवीर और अक्षरा पर बहुत हंसते हैं। रणवीर घर जाने के बाद अक्षरा को खूब डांटता है। मिला देना पानी में मेरी पूरी मेहनत से कमाई हुई इज्जत। अरे अक्षरा बहू, किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो पसीने का झरना बहता ही रहता है तुम्हारे बदन से 12 महीने और 2400 घंटे नॉनस्टॉप। अरे अभी तो इस कलमुहे के कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। लोगों के कुंडली में मार्केश दोष होता है, लेकिन हमारी बहू की कुंडली में पसीना दोष है। अक्षरा को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गलती मानकर चुप रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं, गर्मी का प्रकोप बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। उसे पसीने से पूरे हाथ पांव गले चेहरे और बदन पर घमौरियां आ जाती है, जिसके कारण उसे खूब जलन महसूस होती है। आह, बहुत जलन हो रही है। माँ जी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है, इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल बच जाए। मम्मी जी, बहुत आग लग रही है। अक्षरा जाकर बाल्टी भर पानी अपने आप पर डाल देती है, तब जाके उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशल्या अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा कैंडल जलाती। अच्छा हुआ जो रणवीर नहीं है खुशबू वाली मोमबत्तियां ला करती, इनसे हर जगह अच्छी महक आ रही है। हाँ कौशल्या, बड़ी अच्छी सुगंध है अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों की भी। लेकिन तभी वहां पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षरा आ जाती है और उसके पूरे बदन से बदबू आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गए थे और फर्श पर पसीने की बूंदें भी टपक रही थी। और ये बदबू इतनी तेज होती है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती की महक को फेल कर देती है। हाय रब्बा, आ गई करमजली। इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंगी सुगंध वाली मोमबत्ती और अगरबत्ती के खुशबू के दांत भी खट्टे कर दिए। बाहर इतनी भीषण गर्मी है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गए हो और केक की तरह बेक हो रहे हो। दिन ब दिन अक्षरा का पसीना दुश्वार कर देता है सबका जीना। कभी वो सोते समय पूरे बेड के साथ साथ साइड में रखे हुए रणवीर की इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने पसीने से भिगा देती, तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जुओं को गलती से खाने में मिला देती। आयो रब्बा, आज तो हदी हो गई, खाने में जुए। अक्षरा बस बहुत हुआ, अब और नहीं, अब तुम सीधा अपना बैग पैक करो और अपने मायके शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा है रणवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहू। अक्षरा रोने लगती है और कहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी, बाय। अक्षरा रोंदी सूरत लिए घर से निकल जाती है। शाम में जब रणवीर अक्षरा के मायके फोन लगाता है, तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं। इस बात को सुनकर रणवीर, कौशल्या और ब्रिज मोहन तीनों डर जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। आयो रब्बा, अब कहाँ ढूंढे हम अक्षरा बहू को। मुझे एक जगह पता है मम्मी, जब भी अक्षरा का मूड ऑफ होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है। रणवीर, कौशल्या और ब्रिज मोहन तीनों एक नदी के किनारे जाते हैं, जहां रात के अंधेरे में अक्षरा नदी की साइड की बेंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी। रणवीर तुरंत जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उससे तीनों माफी मांगते हैं। अक्षरा, हमें माफ कर दो, तुम्हें पसीना आना नेचुरल है, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करती हो ये, और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा। हाँ अक्षरा बहू, प्लीज माफ कर दे बेटा, तेरे इस पसीने को ना मैं यूं मिनटों में चुटकी बजाकर आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूंगी, तू देखना बेटा। हाँ, और अगर उससे भी ना होए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर दोस्त है,
तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे। थैंक यू, देर से ही सही आप लोगों को मेरा दर्द समझ में तो आया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल वाले मिले। इस तरह ससुराल वाले आयुर्वेदिक उपायों से अक्षरा के पसीने की तकलीफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसीना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है।